हमारे 7 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, उसमें से कुछ आरोपियों का रोल सिटी यूनियन बैंक जो चेन्नई में हुआ था उसमें भी ऐसा पता चला है कि उनका रोल है। हमें जो फुटेजेस मिले हैं उसके बेसिस पे और जो आरोपी ने कन्फेशन दिए हैं उसके बेसिस पे हम अभी इस कंक्लूजन पे आए कि कुछ आरोपियों का उस गुने में भी समावेश हो सकता है। चेन्नई की रॉबरी कितनी बड़ी थी? लगभग 33 करोड़ के आसपास है, पर बाकी उसकी डिटेल चेन्नई पुलिस दे सकती है। और ये जो आरोपी है इनके और भी लिंक्स है क्या? और हाँ, हमारे वर्कआउट चालू हैं उसमें, तो अभी इनका जो आरोपियों का हम लोग का कस्टोडियल इंट्रोगेशन कंप्लीट हुआ है, उसमें 3-4 और जगहों की रॉबरी ऑनलाइन रॉबरी निकल सकती है। और इन्होंने कुछ इनकी जो कस्टडी एक्सटेंड हुई है वो कितनी? 4 दिन की इनकी पुलिस कस्टडी और बढ़ के मिली है। और बाकी 3 लोगों की उनको हमें बाद में हाजिर करना है क्योंकि वो लोग कुछ दिन जो पहले के आरोपी हम पकड़े गए थे उससे 2 दिन बाद अरेस्ट हुए थे, तो उनका भी कस्टडी चालू है, पुलिस कस्टडी चालू है उनकी। जो इंटरनेशनल गैंग्स है उनके इनसे संपर्क या उनको ढूंढने के लिए पुणे पुलिस क्या कर रही है, किससे संपर्क में है? जी, उसका हमारा वर्कआउट चालू है, वो अभी इस पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताना उचित नहीं होगा। जिस तरह से बताया कि कुछ लोगों ने रिवर्ट किया है इंटरनेशनल एजेंसीज ने, तो वो क्या है, वो क्या हम पॉजिटिव समझे कि वो क्रैक करने में भी जल्दी ही सफलता मिल सकती है? जी, कुछ कंट्रीज से, कुछ बैंक से हमें पॉजिटिव करस्पॉन्डेंस आया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमने लेटर्स ऑफ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी थी इंटरनेशनल असिस्टेंस के बारे में, उस पर रिस्पॉन्स आया है, तो अब आगे उस पर हमारा वर्कआउट चालू है। ओके।